Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Trinity College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you a new topic. Previously, we have not touched this very topic, that is social cognition. सामाजिक संज्ञान या कहीं कहीं आपको सामाजिक बोध के नाम से मिलेगा. वैसे सामाजिक संज्ञान सही इसका अर्थ हिंदी में होगा. तो सामाजिक संज्ञान देखिए ये बीए एमए बीएड एमएड के कोर्स में तो नहीं है अभी, लेकिन नेट के कोर्स में है और ये एक नया टॉपिक लगा मुझे, तो मुझे लगा आपसे बात करनी चाहिए इस विषय में. तो सोशल कॉग्निशन क्या है? देखिए हम लोग सोशल इंटेलिजेंस जानते हैं, सोशल साइकोलॉजी जानते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी जानते हैं, लेकिन सोशल कॉग्निशन के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है. तो नाम से ही समझ में क्या आ रहा है, सामाजिक संज्ञान यानी कुछ सामाजिक प्रक्रियाओं में लगने वाला संज्ञान, कुछ ऐसा है ना. अगर हम कुछ नहीं जानते इसके विषय में तो भी, तो अब जानते हैं क्या है ये. तो द स्टडी ऑफ सोशल कॉग्निशन प्रमोट्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेंटल प्रोसेसेस दैट अंडरलाई ह्यूमन सोशल बिहेवियर. देखिए हम सबको पता है मनुष्य सामाजिक प्राणी है, हम सबको पता है हम अपने समाज में व्यवहार करते हैं या दूसरे के व्यवहार पर रिएक्शन देते हैं. तो मनुष्य का जो सामाजिक व्यवहार है उसके पीछे कौन सी मानसिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, वो उनके लिए उन प्रमोट्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसको समझना और गहराई से समझना, ये सामाजिक संज्ञान है. इट हैज इम्प्लीकेशंस फॉर ए वेरी ब्रॉड रेंज ऑफ ह्यूमन सोशल फेनोमेना एंड डोमेन्स. इसका जो मनुष्य का सामाजिक घटनाएं हैं, डोमेन्स हैं, उस ब्रॉड रेंज ऑफ इम्प्लीकेशंस है, मतलब बहुत इसको समझने में मदद मिलेगी. सोशल कॉग्निशन हम समझ जाएंगे तो सोशल फेनोमेना को और डोमेन्स को. द स्टडी ऑफ सोशल कॉग्निशन एग्जामिन्स हाउ इंडिविजुअल्स प्रोसेस एंड रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अदर पीपल themselves and socially constructed events. यानी कि जब सामाजिक संज्ञान का हम अध्ययन करते हैं तो ये पता चलता है कि सामाजिक रूप से जो निर्मित इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, कोई पर्व त्योहार है या दूसरे लोग हैं या खुद के बारे में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और रिप्रेजेंट करना, कैसे इंडिविजुअल प्रोसेस करता है सामाजिक घटनाओं को, अपने को, दूसरे को, इसी का अध्ययन सामाजिक संज्ञान है. The primary focus is at the intersection of social psychology and cognitive psychology. यानी कि जब social psychology और cognitive psychology एक दूसरे से intersect करते हैं तो social cognition की उत्पत्ति होती है. The field of social cognition gained traction within social psychology in the late 1970s and the early 1980s. यानी कि 1970 से 1980 के बीच में social psychology में ही social cognition एक field emerge हो रहा था. इसने ये लोग attract हो रहे थे उसके प्रति. A core tenet of social cognition is that people do not perceive objective reality but instead make sense of mental representations of the objects and people they encounter. ये कहा गया कि जो व्यक्ति हैं हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी को नहीं परसीव करते, मतलब कोई भी घटना होगी तो मैं उसको जैसे परसीव करूंगी वैसे आप नहीं करेंगे, वैसे आप नहीं करेंगे वैसे आप नहीं, हर आदमी अपनी तरफ से करेगा. कैसे? मेक सेंस ऑफ मेंटल रिप्रेजेंटेशंस, मैं क्या सेंस निकाल रही हूँ ऑब्जेक्ट्स का, आप क्या निकाल रहे हैं, एंड द पीपल दे एनकाउंटर, और जिन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं. तो इसका मतलब है कि रियलिटी तो, सोशल रियलिटी तो कभी ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकती है, उसमें सब्जेक्टिविटी आनी ही आनी है ना. तो ये इसका सोशल कॉग्निशन का टीनेट है, इस पर ये बेस्ड है. सोशल कॉग्निशन इज एन अप्रोच टू स्टडीइंग एनी टॉपिक एरिया बाय इन्वेस्टिगेटिंग द कॉग्निटिव अंडरपिनिंग्स ऑफ दोज सब्जेक्ट्स एंड एग्जामिनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ दीज कॉग्निटिव प्रोसेसेस विद अदर मैकेनिज्म दैट आल्सो गाइड बिहेवियर. जो सोशल कॉग्निशन है वो एक अप्रोच है एक किसी भी टॉपिक एरिया को स्टडी करने का बाय इन्वेस्टिगेटिंग The cognitive underpinnings of those subjects and examining, मतलब कि जो भी हम विषय अध्ययन कर रहे हैं उसके पीछे की संज्ञानात्मक underpinnings क्या है, संज्ञानात्मक अर्थ क्या है, उसका investigation. और जो हम behavior करते हैं या हमारे behavior को जो mental processes guide कर रही हैं उसके पीछे क्या cognition involved है, ये अध्ययन social cognition के अंतर्गत आता है. अब अगर हम इसकी एलिमेंटल ओरिजिन्स देखें तो साइकोलॉजी, ये हमने देखिए जब हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी आपसे डिस्कस कर रहे थे, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, तब भी मैंने आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी के इमर्जेंस की थोड़ी बात वहां से आपसे की थी, इसलिए इसको क्विकली समझेंगे कि साइकोलॉजी इमर्ज एज अ डिसिप्लिन सेपरेट फ्रॉम फिलोसफी इन द अर्ली 20th सेंचुरी. ये हम लोग ने जान लिया है जब 1889 में जब विलहेम वुंड बना रहे हैं एक्सपेरिमेंटल लैब सबसे पहले साइकोलॉजी की, तो वहां से धीरे धीरे साइकोलॉजी जो है वो फिलोसफी से सेपरेट हो रहा है. एंड फाइनली द नोशन ऑफ मेंटल केमिस्ट्री वर लिस्टेड एम्पिरिकली. द फर्स्ट laboratory psychologists such as German Wilhelm Wundt and Hermann Ebbinghaus trained themselves and their graduate students to observe their own thought processes, to introspect on how they committed ideas to memory and how they retrieved ideas from memory. है ना?
ये सब बातें अर्ली 20th सेंचुरी में चल रही हैं, और धीरे धीरे हम साइकोलॉजी का इमर्जेंस हो रहा है, तो यहाँ से एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी निकलती है, क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है ना। फिर जो होलिस्टिक ओरिजिन है सोशल कॉग्निशन रिसर्च का, रिएक्टिंग अगेंस्ट दी एलिमेंटल, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में नहीं तोड़ना है, इनका क्या था, एलिमेंटल अप्रोच। जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट कहते हैं, टैकलिंग दी होल माइंड एट वंस, यानी कि पूरे मस्तिष्क को संपूर्णता में अध्ययन कीजिए। इन हिज व्यू मेंटल फेनोमेना इज इनहेरेंटली सब्जेक्टिव, ये कह रहे हैं कि जो मेंटल फेनोमेना है वो सब्जेक्टिव है। जर्मन अमेरिकन जेस्टाल्ट साइकोलॉजी ड्रू ऑन दीज इनिशियल हॉलिस्टिक इंसाइट्स, दिस मेथड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इज फेनोमेनोलॉजी। जब हम फेनोमेनोलॉजी की बात करते हैं सोशल साइंसेज में, जब हम बात करते हैं कि फेनोमेना का अध्ययन है ना, इट फोकसेस ऑन सिस्टमेटिकली डिस्क्राइबिंग पीपल्स एक्सपीरियंस ऑफ परसीविंग एंड थिंकिंग। तो ये क्या अध्ययन होता है इसमें, यही अध्ययन होता है कि जो व्यक्ति हैं वो किसी भी घटना को कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। इट लेटर बिकम वन ऑफ द मेजर फाउंडेशंस ऑफ सोशल कॉग्निशन रिसर्च, द रिलायंस ऑन आस्किंग पीपल हाउ दे मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। फेनोमेनोलॉजी में आप क्या अध्ययन करते हैं कि जो लोग हैं वो कैसे सेंस लेते हैं संसार का, किसी चीज को कैसे समझते हैं, है ना। फिर लिविन आते हैं, इनकी सिचुएशन फील्ड थ्योरी आती है, जिसको कि आप स्पेस साइकोलॉजी है ना, इनका मतलब फील्ड स्पेस की जिसमें इन्होंने बात की है। तो कर्ट लीविन इंपोर्टेड जेस्टाल्ट आइडियाज टू सोशल साइकोलॉजी एंड अल्टीमेटली टू सोशल कॉग्निशन रिसर्च। लाइक अदर जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, लीविन फोकस्ड ऑन द पर्सन सब्जेक्टिव परसेप्शंस, नॉट ऑन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। लीविन मतलब लीविन धीरे धीरे सोशल कॉग्निशन की ओर जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि पहले एलिमेंटलिस्ट, फिर होलिस्टिक, फिर उसके बाद फील्ड थ्योरी। ही इम्फेसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल एनवायरमेंट एज परसीव बाई द इंडिविजुअल, विच ही कॉल्ड द साइकोलॉजिकल फील्ड, है ना। तो इसको मैं इसलिए यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रही हूँ। फिर इसके बाद लीविन के बाद आ रहे हैं डीवी, और आपका ये आ जा रहा है जिसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी आ जा रही है। फिर 1990 में डिकेड ऑफ द ब्रेन आ जा रहा है, वो दशक जो मस्तिष्क को दिया गया, जिसमें कॉग्निटिव न्यूरो साइंस की बात हो रही है, ये सब आ रहा है। तो धीरे 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 कॉग्निशन की बात बढ़ती जा रही है। फिर आता है कॉग्निशन सोशल साइकोलॉजी में आ जाता है। इन कंट्रास्ट टू एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी हैज कंसिस्टेंटली लीन्ड ऑन कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट्स, इवन व्हेन मोस्ट साइकोलॉजी वाज बिहेवियरिस्ट। शुरुआती दौर में जब बिहेवियरिस्ट, जब व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का बहुत बोलबाला था, तब भी सोशल साइकोलॉजी जो है वो कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट पे निर्भर थी। सोशल साइकोलॉजी हैज ऑलवेज बीन कॉग्निटिव इन एटलीस्ट थ्री वेज। वो कह रहे हैं कि तीन तरीके से तो हमेशा ही सोशल साइकोलॉजी कॉग्निटिव रही है। कैसी कैसे? पहले लीविन क्या कह रहे हैं कि सोशल बिहेवियर जो है वो पीपल्स परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड है। तो जैसे ही पीपल का परसेप्शन आएगा, इसका मतलब आपके दिमाग में कुछ चल रहा है ना, आप ऑब्जेक्टिवली उसको परसीव नहीं कर रहे हैं, ये बात। दूसरी बात कि हम सोशल साइकोलॉजी मतलब परसेप्शन और इंटरेक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं। तीसरी बात कि सोशल साइकोलॉजी में हम मनुष्य को एक थिंकिंग ऑर्गेनिज्म की तरह से डील कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, मान रहे हैं कि मनुष्य थिंकिंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये बता रहा है कि सोशल साइकोलॉजी में कॉग्निशन है, हमेशा से है, शुरुआत से है। फिर एरियाज ऑफ सोशल कॉग्निशन अगर आप पूछा जाए, आपको बताना हो, तो थ्योरी ऑफ माइंड इसमें, क्योंकि माइंड में सारा कॉग्निशन चल रहा है आपका। एबिलिटी टू इन्फर द मेंटल स्टेट्स ऑफ अदर्स, है ना, दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है ये इन्फरेंस निकालना, कि हमने उससे बात की, हमको ऐसा लगा कि उसका आज मूड ठीक नहीं है ना, तो ये थ्योरी ऑफ माइंड है। फिर सोशल परसेप्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इमोशंस ऑफ अदर्स, दूसरे के इमोशन को समझना, पहचानना, ऐसा नहीं कि दूसरा आदमी दुखी है आप उसको खुश समझ ले रहे हैं। फिर सोशल नॉलेज और सोशल स्कीमा, नॉलेज ऑफ रोल, सोशल रूल्स, ये सब सोशल नॉलेज, आपको पता है कि आपका क्या रोल होना चाहिए, क्या नॉर्म्स हैं, है ना। फिर एट्रीब्यूशन बायस, कॉजल इन्फरेंसेस, जिसमें हम इन्फरेंस के लिए कॉज ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अच्छा उसने ऐसे किया तो क्यों किया होगा, ट्राइंग टू डिटरमाइन द कॉजेज ऑफ पीपल्स बिहेवियर। और इमोशनल ट्रीटमेंट, यानी आइडेंटिफिकेशन और यूज ऑफ इमोशंस, ये सारे तो एरियाज हो जाएंगे सामाजिक संज्ञान के। फिर अगर हम कंक्लूड करना चाहें कि सामाजिक संज्ञान क्या है, तो परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी एंड एक्शन प्लानिंग वुड ऑल बी एग्जांपल्स ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑल दीज प्रोसेसेस आर इंपॉर्टेंट इन सोशल सिटिंग सेटिंग इज रिफर टू एज सोशल कॉग्निशन, यानी कि जब हम सोशल सेटिंग में अटेंशन को, मेमोरी को, एक्शन प्लानिंग को लाते हैं, तो वो सोशल कॉग्निशन बन जाता है। द गोल ऑफ सोशल कॉग्निशन इज टू प्रोवाइड मैकेनिस्टिक प्रोसेस ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमेना, सामाजिक घटनाएं हैं जो इतनी जटिल हैं, उनके पीछे की प्रोसेस के एक्सप्लेनेशन के अध्ययन ही हमारे सामाजिक संज्ञान का लक्ष्य है।
One important aspect of social cognition involves forming impressions of other people. Making these judgments quickly and accurately helps us guide our behavior to interact appropriately with the people we know. यानी कि social cognition का एक important aspect ये भी है कि हम impression बना लेते हैं दूसरे लोगों के प्रति ना. Making these judgments quickly and accurately. अगर हम जितनी जल्दी judgment बना पाए और जितना सही बना पाए, ये हमको help करता है कि हम behavior को अपने guide कर सकें ताकि लोगों के साथ हम appropriately interact कर सकें. मतलब जिस्ट क्या है सोशल कॉग्निशन का, कि जो भी हम दूसरे के बारे में, अपने के बारे में, सामाजिक घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं उसके पीछे जो संज्ञान इन्वॉल्व है वही सोशल कॉग्निशन है. ओके, तो ये एक नया टॉपिक था, पता होना चाहिए आपको. सो दिस इज क्विकली आई हैव कवर्ड दिस वेरी टॉपिक सोशल कॉग्निशन. सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन.